मैं शिवान पसीना एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, आज के दिन में हम लोगों ने बहुत बड़ा फॉल देखा है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसके बाद एक कंटिन्यूस रैली और डाउन साइड हमें देखने को मिली है। सो हम लोगों ने कल जो बात करी थी, जो भी सारा डिस्कशन करा था मार्केट से रिलेटेड, हमारा ये था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो वहां पर हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाय साइड की, बट कोई भी बाय साइड की आई नहीं है। और उसके बाद तो अगर आप चेक करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा आज की निफ्टी की जो भी पूरी ट्रैक मूवमेंट दिखाऊंगा, उसमें हम ये देख रहे थे ऑलमोस्ट 16,680 से जब उसने फॉल करना स्टार्ट करा, उसकी रैली किस तरीके से थी, मतलब आप समझ नहीं सकते। 10-10 पॉइंट करते करते हल्का हल्का नीचे जाता रहा, जिस तरीके से एक बड़ी मूवमेंट स्टार्टिंग में देखने को मिली थी ना, उसके बाद हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी कैंडल्स के साथ और डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली है। बट डोंट वरी, हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट साइड कैप्चर करा था एंड उस पर हम लोगों ने एक अच्छा ट्रेड लिया था। एक सिंपल था, जो मतलब एक बेसिक एक लेमन जो भी टेक्निकल एनालिसिस पहली बार सीखता है उसको ये चीज़ सिखाई जाती है। सो आई विल शो यू कि किस तरीके से वो काम कर रहा था, कैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट अर्न करा, ज़्यादा बड़ी रैली नहीं ले पाए। इसके अलावा कल यूट्यूब के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे हो ना, पूरे टाइम मार्केट पे हमें यूट्यूब के स्टॉक्स अच्छा देते रहे। एक्चुअली मेरी पूरी वॉच लिस्ट में से वही 3 स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव में थे। अब आज भी मैं कुछ 2-3 स्टॉक्स देने वाला हूँ आप लोगों को, एक इंट्राडे के लिए होने वाला है एंड 2 एज अ स्विंग ट्रेड दोबारा होने वाले हैं। सो मैं आपसे दोबारा विनती कर रहा हूँ, मार्केट डेफिनेटली एक बियरिश मूड में है, हमारी यूएस मार्केट भी ऑन कंटिन्यूस बेसिस पे गिर रही है ओमिक्रॉन के फियर के चक्कर में। हम लोग देख रहे हैं कि फेड अपने रेट्स बढ़ा रही है, मार्केट गिर रही है, बट यहाँ पर कुछ अच्छे स्टॉक्स में को मिल रहे हैं जिसे हम उन्हें बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी में उठा सकते हैं। सो डेफिनेटली गाइस, आज की वीडियो भी आपको बहुत मजे आने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से काम करना है, क्या पोजीशंस हैं। सो प्लीज जरूर देखिएगा और पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और मैं आपसे अंदर मिलता हूँ वीडियो। गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक जो रिकमेंड कर रहा हूँ एज अ स्विंग ट्रेड है, तो इसे उसके तरीके से ही देखना, आरके फोर्ज। आरके फोर्ज को अगर आप देखोगे तो मैंने अभी राइट अप वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और ना वीकली टाइम फ्रेम पे और ना कंटिन्यूस बुल रन के अंदर स्टॉक है। और कभी भी इसके अंदर डिप आती है, ये कंसोलिडेट करता है ना लोअर लेवल्स पे एंड फिर एक अच्छा ब्रेकआउट देता है। यस, डेफिनेटली ये टाइम लेता है अपने लोअर लेवल्स पे, बट एक अच्छा ब्रेकआउट देता है। देखिए, मार्केट आई नो कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर अभी जा रही है, बट स्टॉक्स यहाँ पर अभी एक पॉजिटिव में है। अगर ये स्टॉक्स डेफिनेटली पॉजिटिव के अंदर है तो हम इस पर एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बस एक नोट आपको मैं बताना चाहूँगा, ये नोट ही है कि जो भी स्टॉक्स आपको कल दिए गए हैं अगर आपने उनमें ट्रेड लिए हैं, कोई भी स्टॉक्स अगर आज दिए गए हैं अगर आप उस पर ट्रेड लोगे कल, तो क्वांटिटीज बहुत लिमिटेड रखना। अगर कोई भी डाउनसाइड आती है उस डाउनसाइड पे आप क्वांटिटीज को ऐड ऑन कर सकते हो, बट अगर जो स्टॉप लॉस दे रखा है वो हिट होता है, प्लीज एग्जिट योर पोजीशंस, कोई और स्टॉक्स मिल जाएंगे जिस पे आप उस लॉस को रिकवर कर लेना, बट स्टॉक से निकल जाना, बिकॉज वो स्टॉप लॉस उस पोजीशन में रख के दिए गए हैं कि वहां से एक हेवी सेल ऑफ और ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरूर रिमेंबर करना। अब क्लियरली एक पॉजिटिव ट्रेंड है, कभी भी अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे ये आता है, कभी भी सब डिमांड जोन पे आता है, एक अच्छी बाइंग हम लोग देखते हैं, थोड़े टाइम कंसोलिडेट करता है उसके बाद एक बाइंग देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या, मैं थोड़ा पास्ट का आपको एक सेकंड में बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखा एक अच्छी खासी अपमूव आई थी, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर अपने जोन पे एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे कंसोलिडेट करा एंड फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब दोबारा ब्रेकआउट देने के बाद ये अब कंसोलिडेट कर रहा है एंड कंसोलिडेट करने के बाद आप देख सकते हैं इस लेवल से एक अपमूव आना स्टार्ट हुई थी, बिकॉज ये एक अपमूव थी, एक रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया इस लेवल से, इस कैंडल से ब्रेकआउट, तो ये कैंडल हमारा बॉटम है एंड ये टॉप है। सिंपल एनालिसिस है, समझने की कोशिश करना, ये बॉटम है, ये टॉप है, हमने फिबोनाची ड्रॉ करा, एग्जैक्टली 61% का फिबोनाची आ रहा है जहां पर एक पॉसिबल रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। सो फॉर माय थिंक कि यहां पर मुझे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूं। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी, मैं इस रिकवरी को देख रहा था बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को एज अ टेलीग्राम पे ट्रेड ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। सो आई थिंक ये अच्छी मूवमेंट दे सकता है। कल अगर इसके अंदर गैप डाउन देखने को मिलती है तो डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू कि इस पर कम क्वांटिटी बाय होनी चाहिए थी। अगर कल गैप डाउन आता है और अगर लगता है कि हाँ इस पर मोमेंटम आ सकता है ऑन अ डाउन साइड, तो हम लोग कल इस पर एक और बाय पोजिशन एड ऑन कर सकते हैं और लोअर लेवल्स पे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप देख सकते हैं एक सिंपल चैनल के अंदर ही काम कर रहे हैं, बट
ये याद रखना, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स थी, मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस बियरिश कैंडल थी, एक अपमूव दी, फिर इधर आया एंड अगेन अपमूव दी एंड फिर इधर आया। पर यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ऑन अ बेसिस दिख रहा होगा, बना नहीं है बट ये यहां तक की मूवमेंट दे सकता है, मतलब ऑलमोस्ट यहां से 100 रुपए की रैली दे सकता है। सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर ये मुझे 80 to 100 पॉइंट्स की रैली देता है तो वहां पर मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। स्टॉक का नाम आरके फोर्स, इसके बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी शेयर करी हुई है टेलीग्राम पे, वहां पर आपको इसके कैसे इसको मैनेज करना है अपनी पोजीशन को, मैं ऑलरेडी आपको वहां पर बता दूंगा लाइव मार्केट में। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। गाइस मेरा दूसरा स्टॉक एक इंट्राडे ट्रेड होने वाला है कल के लिए, ये भी मैंने ऑलरेडी सजेस्ट करवा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर ना आपको जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं गाइस। वहां पर आपको प्रॉपर रिसर्च मिल जाती है लाइव मार्केट पे, कैसे ट्रेड लेने हैं, कैसे मार्केट को समझना है, सब कुछ मिलता है। तो एक नीचे लिंक है यार, जाके ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा होने वाला है। इसके अलावा गाइस इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, बिकॉज बहुत नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट्स में लेकर आ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं जो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। अभी आज भी हम लोग शायद ट्राई करने वाले हैं पोस्ट बनाने के लिए जिसपे एक खुद रिलायंस सिटी क्रिएट कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, सारा कुछ। तो प्लीज वॉच दैट ऑल्सो। एंड अगर मॉइल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू। अब यहाँ देखिएगा, एक बहुत बड़ा गैप अप हम लोगों को यहाँ पर रिसेंटली देखने को मिला था नवंबर में, एंड इस गैप अप के बाद यहाँ कंसोलिडेट करा एंड आफ्टर दैट एक अच्छी मूवमेंट दी थी, दोबारा नीचे आया, एक फॉल करा, यहाँ पर एक बेस क्रिएट करा एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ बेस दोबारा एक मूवमेंट आई। यहाँ पर हमने एक चीज तो समझ ली है, जो बेस है वो बिल्कुल स्टेबल है, मतलब एक ही पॉइंट पे वो बाउंस करके ऊपर जा रहा है, बट जितना ऊपर जा रहा है वो लेवल कम होता जा रहा है। देखिए सिंपल एनालिसिस है जो आपके माइंड में इजीली बैठ जाएगी। आप देखोगे इस लेवल पे एक बेस बनाया, यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल पे फिर बेस बनाया, सेम लेवल था फिर ऊपर गया, बट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। तो मतलब बेस तो स्टेबलाइज्ड है, बट जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रही है वो ऑन अ डाउन साइड, डाउन ट्रेंड चैनल की तरफ जा रही है। सो अब हम मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट अगर यहाँ से बाउंस करता है तो कहाँ तक आ सकती है। अकॉर्डिंग टू आर चैनल ये इस तरीके की मूवमेंट कर सकता है, तो ऑलमोस्ट 172-173 तक जा सकता है। सो इस पर हम लोग ज्यादा बड़ी मूवमेंट कैप्चर नहीं करने वाले हैं। अभी करंट प्राइस 178 रुपीज का, हमें चाहिए 171 से 173 के बीच में, कभी भी मिले हम अपनी पोजीशन को कल स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। दूसरी चीज, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत टाइम कंसोलिडेट कर चुका है, अगर कल ये गैप डाउन के साथ इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर मैं आपको डबल साइडेड ट्रेड दे रहा हूँ, जो कि मैं कभी लेता नहीं हूँ ना मैं कभी सजेस्ट करता हूँ, बट आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनती है और इसके नीचे क्लोज हो जाती है, पहली बात तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस 1.5 रुपीज का है, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस को एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक बियरिश ट्रेड बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस लेवल। मुझे लगता है गैप फिलिंग के लिए एक बार आ सकता है, तो ये हम अपना टारगेट बना सकते हैं। स्टॉक का नाम था मॉइल, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है बेयर क्रॉप। बेयर क्रॉप साइंस पर अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक मैं सीएनबीसी आवाज लास्ट आर में देख रहा था कि क्या क्लोजिंग का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मेरा अभी बहुत खुल नहीं रहा था ट्रेडिंग व्यू। सो यहाँ पर मैंने देखा था इस स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, जब मैंने इसको स्टडी करा तो मुझे लगा कि ये स्टॉक हाँ डेफिनेटली एक मोमेंटम दे सकता है। अब स्टॉक पे जाकर अगर मैं आपको रिसर्च दिखाऊं, सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूअस बेसिस पे एक अप ट्रेंड के अंदर है, एक हायर लेवल्स पे बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, देख सकते हैं लोस नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे होते हैं और हाईज ऊपर की तरफ ब्रेक हो, मतलब और लोअर की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं, बट इवेंचुअली एक ब्रेकआउट अच्छा दे देता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल पे इसने 2016 पे एक बार इसको टेस्ट करा था, इसी लेवल को वहां पर कंसोलिडेट करते रहा, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करा एंड फाइनली इसने जाके स्कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था 2020 पे, यानी कि 4 साल का कंसोलिडेशन था ये लेवल का एंड फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट ये यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली करी एंड आफ्टर दैट दोबारा कंसोलिडेशन चल रहा है। अब यहाँ पर आपके माइंड में ना एक बात आ रही होगी, अगर आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करो तो आप क्लियरली एक चीज देख पाओगे, यहाँ पर एक डबल बॉटम था, ऊपर गया, नीचे आया, अपने डबल बॉटम को ब्रेक करा एंड नीचे चला, बट यहाँ पर मेरे को लगता है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट है। इसके अलावा अगर मैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो उसके नीचे गया था, बट वहां पर फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर की तरफ अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ये इस ब्लैक रेड कलर की लाइन के ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छी मोमेंटम ये भी स्टॉक दे सकता है। क्लियरली एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, तो हायर लो लोअर हाई की एक फॉर्मेशन बना रहा है, फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन बना रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छा कर सकता है। इस पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बट रिस्क थोड़ा सा बड़ा होना पॉइंट साइज, मतलब स्टॉक का जो प्राइस अगर 5000 रुपए का ना, तो पॉइंट साइज थोड़ा सा बड़ा होगा रिस्क, तो इस पर क्वांटिटीज आप और कम कर सकते हो, बट डेफिनेटली ये भी ट्रेडेबल स्टॉक है।
तो ये भी एज अ स्विंग ट्रेड आपको सजेस्ट कर जा रहा है। ये भी मैं आपको कल टेलीग्राम पे बता दूंगा कब टाइम आएगा बाय करने के लिए, उसी टाइम आपको अब बता दिया जाएगा। सो प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और कैसे हम लोगों ने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। सिंपल जो सब बेसिक लोगों को पता होता है जो पहली बार स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में एंटर करते हैं, लेट मी शो यू। सो गाइस अभी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा हुआ है, रिसेंटली 20,220 सब्सक्राइबर्स है द इन्वेस्ट्रोलॉजी। अगर आप सर्च करोगे तो इजिली तब भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 दिसंबर को मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि ये कंटिन्यूस बैंक निफ्टी के अंदर डाउनफॉल आई। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, डाउनफॉल कंटिन्यूस आई, एक ड्रॉप आया, उसके बाद एक बेस क्रिएट हुआ। अब दो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है, आफ्टर ड्रॉपिंग अगर कोई भी स्टॉक ड्रॉप करता है और एक बेस क्रिएट करता है, या तो फिर एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट होगी, या तो दोबारा ड्रॉप करेगा या फिर एक रिवर्सल सिचुएशन होगी और एक रैली करेगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक करा इस पर्टिकुलर इस लेवल पे था, इसको आप भूल जाइए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये हम ऊपर और नीचे लगा रहे थे, आपको अगले ग्राफ में दिख जाएगा। तो हमने बोला था अगर इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली शॉर्ट है, इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली शॉर्ट है, बाय करना है, सिर्फ 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करी, रीटेस्ट का वेट करो और 30 पॉइंट्स ऊपर अपना स्टॉप लॉस बना लो और जितना नीचे जा रहा है जाने। हमारा टारगेट तो बेसिकली ये था जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का था, बट उसके नीचे भी जा सकता है। अब हुआ क्या, इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद इट गिव अ रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद एक कंटिन्यूस शार्प फॉल आई और इस लेवल को हमें टेस्ट कर दिया। सो सिंपल था मूवमेंट, एक अगर कोई भी चीज फॉल करके एक बेस क्रिएट करती है तो उस बेस से उसको कभी ना कभी निकलना है। अगर वो नीचे की तरफ निकलती है तो एक कंटिन्यूशन रैली हमें देखने को मिलती है, मतलब पहले भी डाउन ट्रेंड और दोबारा डाउन ट्रेंड। सो इस तरीके से हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देखने को मिलती गई एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई, ये पूरी चीज़ आपको सिखाई गई है। तो डू ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर अ लाइव मार्केट अपडेट्स। अब आ जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में जब हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था तो हमें पता चला ये भी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। बॉटम से जैसे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करा तो पता चला एक अच्छा खासा इस लेवल पर ये रुका हुआ है, इसी लेवल पर एक बाइंग आई है ना, लोअर लेवल से हम लोगों को बाइंग देखने को मिली है, तो ये इसी लेवल के थ्रू देखने को। अब चलते हैं एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यस, सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं सारी चीजों को ना अभी रिमूव कर देता हूं बिकॉज हमें नीड नहीं है, हमें फालतू की सारी चीजें नहीं चाहिए। हुआ क्या, कंसोलिडेट करा, ये कंसोलिडेट करने के बाद ये देख रहे ना, ये जो दो कैंडल्स बनी थी, इन दो कैंडल्स पे मैंने देखा था कि एक बड़ी मूवमेंट इनसाइड कैंडल और ये वाली कैंडल हम लोगों ने पूरी कैप्चर करी थी, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, पूरे टाइम कंसोलिडेशन, फिर छोटी कैंडल और एक रिवर्सल। तो यानी कि ये कैंडल ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो छोटा सा पुल बैक आया ना, इसके ऊपर जा नहीं पाया। तो बेसिकली अगर मैं ये चीज समझो और पूरे टाइम कंसोलिडेट करते रहा, सो मार्केट का स्ट्रक्चर था, उन्होंने एक वी शेप रिकवरी लिया, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी बाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आप देख सकते हैं बड़ी फॉल आई है, ये मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर सिंपल बेसिस में समझना चाहूँ तो मेरे हिसाब से मेजर और रेजिस्टेंस है ये लेवल। अगर बाय चांस कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है जो कि माइनर पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर हम लोग अगर इस लेवल के आसपास खुलते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर दोबारा आएगा, बिकॉज क्लियर पता है फॉल आता है, एक पुल बैक आता है, एक डाउन ट्रेंड आता है, फॉल आता है, एक पुल बैक आता है, एक डाउन ट्रेंड आता है। सो डेफिनेटली एक फॉल आया, एक पुल बैक आएगा, एक डाउन ट्रेंड आएगा। अब हमें इस डाउन ट्रेंड को बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में तो हम शॉर्ट करके चल सकते हैं, हम स्टॉक्स की तरफ अपना बाय पोजिशन बना सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम लोग ट्रेड नहीं करना जब तक हमें पॉसिबल सिनेरियो नहीं देख ले, स्ट्रक्चर ना देख ले। हमें शॉर्ट तब करना है जब इसके अंदर स्टॉक आए और यहां से तब दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट करें, हम क्लियर शॉर्ट बना सकते हैं। अदरवाइज हमें लॉन्ग नहीं जाना, अदरवाइज हमें गैप डाउन पे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना। एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी की और उसको भी एक बार समझ लेते हैं। ओके, सो मैं निफ्टी को भी अभी के लिए हटा देता हूं, लेट मी जस्ट ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड डेली टाइम फ्रेम पे मेरी कुछ नहीं, मैं इसको हटा नहीं सकता बिकॉज मैं आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वो डाटा प्रीवियस वाला चाहिए। ओके ओके, सो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को जो देखने को मिला था, एक कंटिन्यूस फॉल आई इस लेवल पे, कंटिन्यूस फॉल आई, एक इनसाइड कैंडल एंड एक फॉल, यहाँ पर कंसोलिडेट करते रहा, आफ्टर कंसोलिडेटिंग फॉल आया एंड एक वी शेप रिकवरी आई। सेम गोज विद हियर, ये मेरा फिबोनाची बॉटम, टॉप टू बॉटम है, इस लेवल पे हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये लेवल है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकता है, इस लेवल के आसपास आता है एंड एक कंटिन्यूस फॉल कर सकते हैं। अब एक बात को याद रखिएगा, एक फॉल आया, एक पुल बैक ले रहा है, वो भी एक रेंज के अंदर, अगर ये रेंज भी ब्रेक डाउन हो जाती है ना तो भी हम लोग कल शॉर्ट कर सकते हैं।
यानी कि अगर कल गैप डाउन में हम देखते हैं ब्रेक होता है 16,550 रुपीस का लेवल, तो हम लोग क्लियर शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, वो तो मैं कल स्ट्रक्चर देखकर बता दूंगा, बट यहाँ पर हम एक क्लियर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं बिकॉज एक रेंज का, एक चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इसी के साथ अब एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा को देख लेते हैं, उसके बाद FIR के डाटा के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा होगा, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं, बिकॉज और भी डाटा आप लोगों के साथ इन फ्यूचर शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए नॉलेजेबल होगा। चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कर लिया है ओपन, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे उस पर चले जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कहीं पर भी पुट राइटर्स एक्टिव नहीं है, कहीं पर भी पुट राइटर्स नहीं है, सिर्फ 16,300 के अंदर हाईएस्ट पुट राइटिंग है और उससे सेकेंड है 16,500 के ऊपर। ये अच्छी बात है कि 16,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर जाके क्लोज कर गया। अब सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कॉल राइटर्स, तो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा कहाँ पर हैवी कॉल राइटर्स हैं, फर्स्ट सेकंड कॉल राइटर्स हैं, हर जगह कॉल राइटर्स हैं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। नीचे आते हैं एक बार, अगर नीचे आते हैं तो हम लोग एक बार दिसंबर एक्सपायरी को पूरा स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे, तो हमें पता चल रहा है कि कॉल और पुट राइटर्स अभी स्टेबलाइज हैं एग्जैक्टली इसी लेवल पे, यानी कि हैवी जो कॉल राइट पुट राइटर्स एक्टिव हैं वो 16,500 के अंदर है और थोड़े थोड़े ना पुट कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स एक्टिव है, कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। अगर आप चेक करोगे नई नई जगह पोजीशंस एक्टिव हुई है कॉल राइटर्स की और इस जगह पोजीशन एग्जिट हुई है, तो यानी कि ज्यादा बड़ी अपसाइड नहीं है बट ऊपर की तरफ एक छोटी मोमेंटम कर सकता हूं। मैंने आपसे बात करी वो पुल बैक कहलाया जाएगा, वहां पे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं। मैंने आपसे कह दिया 23rd of December तक एक फॉल आ सकता है, एक बड़ी फॉल एक और बार दे सकता है और उसके बाद एक सिंपल मार्केट अपमूव की तरफ दोबारा चली जाएगी फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यही था बेसिकली ओपन इंटरेस्ट में, कुछ ज्यादा था नहीं, ये तो हम लोगों ने कल ही डाटा स्टडी करा था। अब बात आते हैं अपने इस लेवल पे। सो आज FIR ने क्या करा, आज FIR ने कॉल को बाय करा और पुट्स को सेल करा, यानी कि वो लोग ऑप्शन डाटा पे थोड़ा सा बुलिश है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर उन लोगों ने 1163 करोड़ का शॉर्ट करा है, तो मेरे हिसाब से वो लोग क्लियरली बियरिश है और इंडेक्स के अंदर वो लोग बियरिश है और हेजिंग के पर्पज से वो लोग ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। एंड यहाँ तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि FIR कैश को ऑन रेगुलर बेसिस सेल कर रहे हैं और DIS उनके मुकाबले बाय करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस भी नहीं है, ये तो हम ऑन रेगुलर बेसिस भी देखते हुए आ रहे हैं, कुछ इस पे ज्यादा कुछ खास नहीं था। सो आई होप आपको ये डाटा और इसके थ्रू कुछ समझ में आया होगा, कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह टेलीग्राम चैनल के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर, मैं लाइव आने वाला हूँ कल 9:30 PM शाम को, एंड वहां पर मैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को डेफिनेटली इन फ्यूचर सुधार सकते हैं। सो गाइस प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मैंने ऊपर सबसे ऊपर दोनों लिंक डाल रखे टेलीग्राम इंस्टाग्राम के, प्लीज डू द नीडफुल एंड ज्वाइन द चैनल। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।